विदेशी बाजारों में तेजी के रुख और देश में शादी विवाह तथा जाड़े के मौसम की मांग बढ़ने के कारण देश भर के तेल तिलन बाजारों में बृहस्पतिवार को सरसों, सोयाबीन तेल, तिलन, बिनौला, सीपीओ और पामोलिन तेल की कीमतों में तेजी दर्ज की गई। वहीं अभी भी देखा जाए तो खाद्य तेलों की जो कीमतें हैं वर्तमान में भी तेजी के साथ देखने को मिल रही है। बीते सत्र में भी शुक्रवार के दिन भी खाद्य तेलों की कीमतों में बाजारों के अंदर तेजी देखने को मिली थी। आपको बता दें कि मूंगफली के खल की मांग बढ़ने से मूंगफली दाना की कीमतों में सुधार देखने को मिला है। वहीं बाजार के सूत्रों का कहना है कि जाड़े के मौसम में हल्के तेलों की मांग बढ़ने से शादी विवाह के सीजन और विदेशी बाजारों में तेजी देखने को मिलने से लगभग सभी तेल तिलनों के भाव तेजी के साथ देखने को मिल रहे हैं। विदेशी बाजारों में पोल्ट्री कंपनियों की मूंगफली के तेल रहित खल DOC की मांग बढ़ने से मूंगफली दाना की कीमतों में तेजी आई है, जबकि सोयाबीन के DOC की मांग बढ़ने से सोयाबीन दाना और लूस के भाव में सुधार देखने को मिला है। सूत्रों का कहना है कि मलेशिया एक्सचेंज में 2% की तेजी दर्ज की गई थी, जबकि शिकागो एक्सचेंज में 0.5% की। सरसों के खुदरा कारोबारियों की मांग बढ़ने के बीच जयपुर में सरसों का भाव 30 रुपये बढ़कर 9,055 से 9,085 क्विंटल कर दिया गया, जिससे सरसों तेल तिलनों के भाव मजबूत हो गए। सूत्रों का कहना है कि जाड़े तथा शादी विवाह के सीजन में सरसों की मांग बढ़ रही है और इसकी उपलब्धता कम हो रही है। उनका ये भी कहना है कि देश भर की मंडियों में सरसों की आवक लगभग 1.5 लाख बोरी से घटकर 1,35,000 बोरी रह गई है। सूत्रों ने यह भी कहा है कि सरकार को आयात शुल्क कम ज्यादा करने के बजाय गरीब उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि PDS से उन्हें सरसों और सोयाबीन तेल उपलब्ध कराना चाहिए, जैसा कि हरियाणा और हिमाचल प्रदेश द्वारा किया जा रहा था। उन्होंने ये भी कहा है कि PDS के जरिए तेल वितरण करने के लिए हाफेड़ को अपने नारनौल और रेवाड़ी के तेल मिलों की पूरी क्षमता का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि ग्राहकों को शुद्ध सरसों तेल मिल सके। सरकार को शुल्क कम ज्यादा करने के बजाय देश में तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने और आत्मनिर्भरता हासिल करने के सतत प्रयास करने चाहिए, बाकी तेल तिलहनों के भाव अपरिवर्तित बने रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV।